नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है, टाटा कंपनी का टाटा एस गाड़ी है दोस्तों। और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो है हीटिंग प्रॉब्लम का दिक्कत है। गाड़ी जो है 8 से 10 किलोमीटर हम गाड़ी को चला देते हैं, गाड़ी जो है तुरंत हीट हो जा रहा है। यहाँ पर मीटर में मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं गाड़ी जो है आधा घंटा 40 मिनट से खड़ा हुआ है, तो गाड़ी जो है ठंडा हो चुका है। इसका जो हम 5 से 7 किलोमीटर जब गाड़ी को चला दे रहे हैं, तो टेम्परेचर में जो स्विच है हाई हो जा रहा है बिल्कुल, और सिटी मारने लग जा रहा है। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर हम आप सभी को दिखाएंगे कि आखिर क्या फॉल्ट जो हुआ है कि गाड़ी जो है 7 से 8 किलोमीटर चलाने के बाद जो है गाड़ी हीट हो जा रहा है और बिल्कुल हाई हो जा रहा है हीटिंग। तो हम आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरा डिटेल बाई डिटेल बताएँगे और दिखाएँगे कि गाड़ी में आखिर दिक्कत क्या है कि जो है हीटिंग प्रॉब्लम का सामना कर रही है गाड़ी। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देर ना करते हुए मैं आप सभी को बताता हूँ और दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों गाड़ी के अंदर से जो रेडिएटर है उसको हम पानी को निकाले हुए हैं, यहाँ चलिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं रेडिएटर के पास। यहाँ आगे से हम शो खोले हुए हैं गाड़ी का और यहाँ हम पहुँच गए हैं रेडिएटर के पास। यहाँ रेडिएटर को कैप को खोले हुए हैं और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ ज़रा जूम करके। रेडिएटर के अंदर कोई ख़ास कचरा नहीं है क्योंकि इसे हम देखे हुए हैं अभी, पानी इसका जो है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर पानी ही डला हुआ था, कूलेंट नहीं था। पर फिर भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ रेडिएटर के अंदर कोई ख़ास कचरा नहीं है क्योंकि रेडिएटर का जो सुराख है वो बिल्कुल खाली दिख रहा है। अब दोस्तों रेडिएटर के अंदर हम पानी को डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि रेडिएटर के अंदर जो है कचरा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। पहले मैं यहाँ पे आप सब तस्वीरें में दिख रहा होगा, पहले मैं इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा डाल देता हूँ और डालने के बाद फिर नीचे से मैं पानी को निकालूँगा और वहाँ पर मैं आप सभी को दिखाऊँगा कि कचरा जो है रेडिएटर के अंदर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मेरे देखने से तो कचरा रेडिएटर के अंदर नहीं है। यहाँ पर मैं नीचे से पानी अब निकाल रहा हूँ और पानी का परिस्थिति आप देख लीजिए, पानी जो है बिल्कुल फ्रेश पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी है, थोड़ा सा भी कचरा इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए पानी जो है बिल्कुल साफ़ है। तो दोस्तों अब चलिए रेडिएटर के अंदर थोड़ा सा भी कचरा नहीं है मैं आप सभी को दिखाई दिया हूँ, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो है पहले हम पानी डालेंगे और अच्छा से इसका एयर निकालेंगे, देखेंगे एयर तो नहीं बन रहा है, नहीं तो एयर भी बन जाता है, पानी निकल जाता है, एयर बन जाता है तो गाड़ी हीटिंग होने लगता है। तो यहाँ पे हम पहले पानी डलवाएंगे और पानी को डालते रहेंगे और फिर या एयर कैसे निकालना है, हवा कैसे निकालना है पानी को, वो मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रेडिएटर का जो निप्पल है पानी काढ़ने वाला, इसे हम टाइट कर देते हैं। अब उसे टाइट करने के बाद यहाँ रेडिएटर में हम पानी को डलवा रहे हैं और चलिए आप सभी को दिखाते हैं कि हवा कैसे निकालना है। यहाँ पे पाइप के अंदर एक नट दिख रहा होगा, यहाँ आप सभी को यहाँ पे ये वाला नट जो दिख रहा है, इस वाले नट को हम खोलेंगे और वहाँ पे पहले रेडिएटर के अंदर हम पानी डलवाएंगे, इसे पहले खोल लेंगे और खोलने के बाद जो है वहाँ पे रेडिएटर के अंदर पानी डालेंगे और फिर यहाँ जो तेज़ी से पानी निकलने लगेगा तब जो है हम इसे टाइट करेंगे। तो पहले चलिए इसे खोल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों नट को हम खोले हुए हैं और नट खोलने के बाद जो है पानी को डलवा रहे हैं रेडिएटर में। यहाँ पे आप देख लीजिए पानी जो है बहुत ही तेज़ी से फेंक रहा है और तेज़ी से जब फेंकने लगेगा पानी तो हम इसे टाइट करेंगे। यहाँ थोड़ा पाइप जो है यहाँ पे हम इसे दबा देते हैं ताकि इसके अंदर जो एयर बना होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा। अब चलिए थोड़ा तेज़ी से और पानी डलवाते हैं। तो यहाँ पर आप सब देख लीजिए अब जो है पानी जो है इसके अंदर से बिल्कुल प्रॉपर आने लग गया है। अब हम उस नट को टाइट कर देंगे जहाँ से हम हवा निकाल रहे हैं। अब चलिए इसे बंद कर देते हैं। अब चलिए देख लीजिए दोस्तों नट को हम बंद कर दिए हैं। अब हम दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को ट्राई लेंगे, चेक करेंगे एक बार। दोस्तों गाड़ी हीटिंग होता है तो कई प्रकार का बीमारी होता है, अगर फैन नहीं चलेगा तो भी गाड़ी हीटिंग होने लगेगा। तो हम इस गाड़ी को फैन चेक कर लिए हैं, फैन जो है बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। और कई बार होता है कि फैन अगर उल्टा चलने लगता है तो भी जो गाड़ी है हीटिंग होने लगता है, तो फैन जो है बिल्कुल सीधा चल रहा है और प्रॉपर चल रहा है, तो फैन का कोई गड़बड़ी नहीं है। और फिर रेडिएटर का जो पोजीशन है मैं आप सभी को दिखाई दिया हूँ,
डिडवाटर जो है बिल्कुल जाम नहीं है, बिल्कुल साफ है, बस थोड़ा सा पानी इसके अंदर जो है कम हो गया था। तो अभी जो हम गाड़ी को है ट्राई करेंगे और देखेंगे कि पानी जो है कहाँ से लीकेज कर रहा है, और अब जो है गाड़ी अगर हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गाड़ी हीटिंग नहीं होगा उसी पे सही हो जाएगा, तो हम इस पानी को निकाल के और कूलेंट को डाल देंगे इसमें। तब तक दोस्तों आप मेरे वीडियो पे जुड़े रहिए, पहले हम गाड़ी को टेस्ट करते हैं फिर आप सभी को दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या दिक्कत है और क्या पोजीशन है इस गाड़ी का। तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए गाड़ी का जो है हम चला के अभी लेके आए हुए हैं, 7-8 किलोमीटर चला के लेके आए हुए हैं। अब जो है गाड़ी बिल्कुल थोड़ा सा गर्म हुआ है, पहले 6 से 7 किलोमीटर चलाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता था हीटिंग प्रॉब्लम, और यहाँ पर जो मीटर है ये बिल्कुल यहाँ रेड में घुस जाता था। अब जो है 7 से 8 किलोमीटर चलाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो है इंजन स्टार्ट है। तो दोस्तों गाड़ी के अंदर जो है पानी भी हल्का कोई से लिकी चुकी नहीं है पानी। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ गाड़ी के अंदर पानी किस वजह से कम हो गया था। दोस्तों कई बार होता है कि पानी जो है बहुत ही पतला होता है, गाड़ी लंबा समय तक हम चलाते हैं तो गाड़ी हीटिंग की वजह से पानी जो है जल के कम हो जाता है। ना ही इस गाड़ी के अंदर लीकेज हुआ था, ना ही रेडिएटर जाम हुआ था, और ना ही इसमें फैन में दिक्कत था। दोस्तों बस पानी जो है सादा पानी था, इसी की वजह से जल के कम हो गया था, वजह से हीटिंग प्रॉब्लम में दिक्कत कर रही थी।